मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी, 40 से 60 एमएम तक गिर सकता है पानी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश, कोंकण में रेड अलर्ट हुआ जारी। बारिश से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 4 घंटे तक यातायात बाधित, घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे यात्री। मुंबई एयरपोर्ट पर 5.54 करोड़ रुपए का सोना हुआ जब्त, अंडरवेयर में छिपाकर ला रहा था करोड़ों का सोना, कस्टम विभाग ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया विमान आपस में टकराने से बाल बाल बचे, अब डीजीसीए ने लिया एक्शन। महाराष्ट्र में मुसलमानों का आरक्षण दे केंद्र सरकार, कांग्रेस नेता ने की मांग। टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, तमाम देश विदेश के नेता रहेंगे शामिल। 100 दिन के एजेंडे पर करना है काम, संभावित मंत्रियों को मोदी का मंत्र, 65 नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। पुणे में देर रात भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी, सड़क यातायात हुई बाधित। उद्धव गुट के 2 एमपी ने किया सीएम शिंदे से संपर्क, एनडीए में होना चाहते हैं शामिल, नरेश मस्की के दावे से उद्धव गुट में मची सनसनी। चलती लोकल ट्रेन से गिरा युवक, दरवाजे पर लटक कर रहा था यात्रा, दिवस स्टेशन से पहले फसल गया हाथ। कोल्हापुर जिले में भारी बारिश, कई सड़कें पानी में डूबी। अगर मुख्यमंत्री मुझसे पूछोगे कि क्या मैं मंत्री बनना चाहता हूं तो क्या मैं मना कर दूंगा, मेरी रुचि काम करने में और उसे मजबूत बनाने में है। मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों पर बोले श्रीकांत शिंदे। नांदेड़ में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच भयानक दुर्घटना में एक गंभीर रूप से हुआ घायल। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। राहुल गांधी और सोनिया गांधी 11 जून को जाएंगे रायबरेली। मुंबई में आज सोने के दामों में कोई बदलाव नहीं, सोना 65,700 रुपए तोला तो वही चांदी 91,500 रुपए की। अब हम ताकत के साथ काम करेंगे और नेताओं को उखाड़ फेंकेंगे, मनोज जारंगे की चेतावनी।